आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम अपनी अधूरी नींद की वजह से अपने शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग में भी खतरा पैदा कर देते हैं, जिससे हम में से अधिकतर लोग आधी रात तक जागकर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें कई बीमारियां लग जाती हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा, मानसिक बीमारी की चपेट में हम आ सकते हैं। यदि हम अल्मोड़ा के जिला अस्पताल की बात करें तो नींद से संबंधित बीमारी के लिए यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं। करीब 15 से 20 मरीज यहाँ पर आकर अपना उपचार भी करा रहे हैं। यदि हमारी नींद ना पूरी हो पाए तो हमें कई बीमारियाँ लग जाती हैं। इसको लेकर हमने जिला अस्पताल की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, नींद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर हम देखें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सही तरीके से यापन करने के लिए। आजकल के युवाओं को ही नहीं कहूँगी मैं, बच्चे भी आजकल के अगर बोले तो नींद ना आना, परेशान होना, इस तरीके की परेशानियों के साथ आते हैं। नींद ना पूरी होने की वजह से दिन भर थकान रहना, दिन भर चिड़चिड़ापन रहना, किसी भी काम में ध्यान ना देना, शारीरिक तौर से भी खुद को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए, नींद पूरी ना होने की वजह से दोनों शारीरिक और मानसिक रोग होने की क्या बोलते हैं कि परेशानियां बढ़ जाती हैं। शारीरिक की बात करें तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। और मानसिक की बात करें तो डिप्रेशन, चिंता, परेशानी जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा, उत्तेजित होना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। नींद 6 से 8 घंटे की नींद एक दिन के मनुष्य की होनी चाहिए। आपका बिस्तर आपकी नींद के लिए बना होना चाहिए। देखिए, अपना खान पान सही रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना, ये सारी चीज़ें। तीसरा कि जो ये मोबाइल यूज़ होता है उससे जितना हो सके परहेज करें सोने से पहले। कोई भी जैसे कैफीन या चाय जैसी चीज़ें हैं वो बिस्तर में जाने से पहले ना पी जाए। एक सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम निर्धारित किया जाए, जिस हिसाब से अपनी दिनचर्या का रेगुलेशन किया जा सकता है। मान के चलिए 15 से 20 मरीज हर रोज़ के आते हैं जिनको सबसे मेन शिकायत ये होती है कि नींद नहीं आ रही है, उससे फिर संबंधित कोई और शारीरिक और मानसिक रोग होता ही होता है। कुछ मरीजों में दवाइयों की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर मरीज़ों में उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहना, इन सब चीज़ों की भी हम इन सब चीज़ों के लिए भी हम उनको समझाते हैं। जिला अस्पताल अल्मोड़ा की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितिका सिंह ने बताया कि अगर हमें अपने शरीर और अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए हमको रोजाना 6 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।